वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम। और डाइजेस्टिव सिस्टम के अपना अंदर जो अपना सब टॉपिक वो क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी कि अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में स्मॉल एलिमेंट्री कैनाल के जो स्मॉल इंटेस्टाइन से पहले तक के जो ऑर्गन है उनके बारे में अपन ने स्टडी कर ली थी। तो आज अपन किस पे स्टडी करेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन पे। लास्ट लेक्चर में अपन ने क्या पढ़ा था, फेजेज ऑफ सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस की जो सिक्रेशन की जो फेज थी उनके बारे में क्या है अपन ने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था। फंक्शन ऑफ स्टमक के बारे में भी अपन ने क्या है लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। तो एक बार अपन न्यू चैप्टर स्टार्ट करने से पहले क्या है, जो अपना प्रीवियस लेक्चर है उसको क्या है समराइज कर लेते हैं। तो आज का जो प्रीवियस लेक्चर की अपन बात करते हैं, प्रीवियस लेक्चर में क्या था, फेजेज ऑफ सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। तो यानी कि जो अपना गैस्ट्रिक जूस है वो कितने फेजेज के अंदर क्या है सिक्रेट होता है। तो अपना जो गैस्ट्रिक जूस है वो कितने फेजेज के अंदर सिक्रेट होता है, तीन फेज है। तीन फेज के अंदर क्या है अपना जो गैस्ट्रिक जूस है वो क्या होता है सिक्रेट होता है। सबसे पहला क्या है अपना सिफेलिक फेज है, देन आफ्टर क्या आती है अपनी गैस्ट्रिक फेज है, देन आफ्टर क्या अपनी इंटेस्टिनल फेज है। जो सिफेलिक फेज है, सिफेलिक फेज के अंदर क्या होता है, दिस फ्लो ऑफ जूस अकर बिफोर ब्लड फूड रीच द स्टोमक एंड इज ड्यू टू रिफ्लेक्स स्टिमुलेशन ऑफ वेगस नर्व। क्या होगा, जो अपना फूड है वो क्या होगा स्टमक के पास पहुंचने के बाद वहां पे क्या होगा अपनी जो वेगस नर्व है वो क्या होगी रिफ्लेक्स स्टिमुलेशन करेगी, ठीक है। और क्या होगा उसके बाद यहाँ पे जो उसका सिक्रेशन होगा, ठीक है। और क्या होगा यहाँ पे अपने को साइट स्मेल टेस्ट से क्या है यहाँ पे रिफ्लेक्स उत्पन्न होंगे और वो क्या करेंगे अपने जो सिफेलिक फेज के अंदर गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करेंगे। जिस टाइम पे जो अपनी वेगस नर्व उसको कट कर दिया जाता है तो जो अपना गैस्ट्रिक जूस का जो सिक्रेशन है उसका क्या है सिक्रेशन बंद हो जाता है। जो अपनी वेगस नर्व है उसको जो कट करने की जो प्रोसीजर है उसको क्या बोलते हैं वेगोटोमी। वेगोटोमी होने के बाद क्या है जो अपना गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन है वो क्या है बंद हो जाता है। देन सेकंड क्या है अपनी गैस्ट्रिक फेज। गैस्ट्रिक फेज में क्या है When stimulated by the presence of the food, enter endocrine cell in the pyrolic atrium and duodenum, secrete gastrin, a hormone which pass directly in the circulation of the blood. When stimulated by the presence of food, क्या होगा जब अपने पास food की presence के अंदर stimulation होगा, enter endocrine cell, क्या होगा endocrine cell के अंदर enter होगा in the पैरलिक एट्रियम के अंदर जो अपने एंडोक्राइन सेल्स हैं उनके अंदर क्या स्टिमुलेशन होगा, स्टिमुलेशन होगा कब होगा फूड की प्रेजेंस में, जब क्या होगा गैस्ट्रिन सिक्रेशन होगा। और ये जो हार्मोन है क्या होगा डायरेक्टली अपना जो ब्लड का जो सर्कुलेशन है उसके अंदर क्या है डायरेक्टली सर्कुलेट होता है। गैस्ट्रिन सर्कुलेटिंग इन द ब्लड विच सप्लाई द स्टमक स्टिमुलेशन द गैस्ट्रिन ग्लैंड टू प्रोड्यूस मोर गैस्ट्रिक जूस। जब गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करेगी स्टिमुलेशन होगा और क्या होगा प्रोडक्शन होगा यहाँ पे किसका गैस्ट्रिक जूस का क्या प्रोडक्शन होगा। इन दिस वे द सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस इज कंटिन्यू आफ्टर द कंप्लीटेशन ऑफ मील एंड द एंड ऑफ सिफेलिक फेज।
गैस्ट्रिन सिक्रेशन इज सप्रेस्ड व्हेन द पीएच इज पैरेलल केट्रियम फॉल अबाउट 1.5। गैस्ट्रिन का सिक्रेशन क्या है, सप्रेस हो जाता है कब, जब पीएच जो है पैरेलल केट्रियम फॉल कितना, फॉल टू अबाउट 1.5। थर्ड फेज जो है उसके अंदर क्या है, व्हेन द पैरेटली डाइजेस्ट कंटेंट ऑफ द स्टमक रीच द स्मॉल इंटेस्टाइन, ए हार्मोन कॉम्प्लेक्स एंटेरोगेस्टिन इज प्रोड्यूस बाई एंडोक्राइन सेल इन द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा विच शो डाउन द सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस एंड रिड्यूस गैस्ट्रिक मोटिलिटी। जो कॉम्प्लेक्स है ये किस किस से बनता है, अपना सीसी के हार्मोन और जो अपना सेरेटिन हार्मोन है उनसे क्या है, ये कॉम्प्लेक्स बनता है ठीक है, और ये प्रोड्यूस क्या करता है, प्रोड्यूस बाय एंडोक्राइन सेल इन द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा विच शो डाउन द सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस एंड रिड्यूस गैस्ट्रिक मोटिलिटी। जो वेगस नर्व वो क्या करती है, स्टिमुलेट होती है, सिक्रेशन करती है किसका, गैस्ट्रिक जूस का ठीक है। किसकी तरह, किसके कारण से होता है, साइट स्मेल टेस्ट के कारण से क्या है, जो वेगस नर्व वो क्या करती है, स्टिमुलेट करती है और सिक्रेशन करती है किसका, गैस्ट्रिक जूस का। ये क्या है अपनी फर्स्ट फेज है। सेकेंड क्या है, गैस्ट्रिक फेज है, गैस्ट्रिन हार्मोन होता है वो क्या करता है, ब्लड के अंदर फ्लो करता है, गैस्ट्रिन स्टिमुलेशन सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। जब क्या है ब्लड के अंदर फ्लो करेगा देन आफ्टर क्या है, गैस्ट्रिन क्या करेगा, स्टिमुलेशन करेगा सिक्रेशन करेगा किसका, गैस्ट्रिक जूस का। देन आफ्टर क्या है थर्ड फेज जो है, थर्ड फेज के अंदर क्या है, सिक्रेशन होगा किसका, सीसीके का और सेरेटिन का सिक्रेशन होगा ठीक है, और ये क्या करेंगे, रिड्यूस गैस्ट्रिक मोटिलिटी एंड सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। यानी कि सबसे पहले क्या है सिफेलिक फेज है, सिफेलिक फेज के अंदर क्या होता है, साइट स्मेल और टेस्ट के थ्रू क्या है, वेगस नर्व क्या है, स्टिमुलेट हो जाती है और क्या करती है वो गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करती है। देन आफ्टर क्या होता है अपनी सेकेंड फेज आती है, कौन सी, गैस्ट्रिक फेज आती है। गैस्ट्रिक फेज के अंदर क्या होता है, फूड इन स्टमक स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ हॉर्मोन, जो अपना फूड है स्टमक के अंदर वो क्या करेगा, हॉर्मोन्स को स्टिमुलेट करेगा, और कौन सा हॉर्मोन सिक्रेट करेगा, गैस्ट्रिन हॉर्मोन सिक्रेट करेगा। गैस्ट्रिक हॉर्मोन क्या होगा, जैसे ब्लड के अंदर सर्कुलेट होगा ठीक है, और वो क्या करेगा, ब्लड को स्टिमुलेट करेगा और क्या करेगा, सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, क्या करेगा यहाँ पे, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करेगा। थर्ड स्टेप क्या है अपनी, थर्ड स्टेप के अंदर कॉम्प्लेक्स बनेगा सेरेटिन और सीसीके जो है वो क्या करेगा, स्टिमुलेट करेंगे सिक्रेशन करेंगे और क्या करेंगे हॉर्मोन्स का, और यहाँ पे क्या है, जैसे कि हॉर्मोन्स का सिक्रेशन होगा क्या होगा यहाँ पे, इन ब्लड रिड्यूस गैस्ट्रिक मोटिलिटी, जो अपना ब्लड है उसके अंदर क्या है, गैस्ट्रिक मोटिलिटी क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी और सिक्रेशन और ऑफ गैस्ट्रिक जूस का क्या है, रिड्यूस हो जाएगा। देन आफ्टर जो अपना नेक्स्ट है वो क्या है, फंक्शन ऑफ द स्टमक, स्टमक के फंक्शन क्या क्या है, स्टमक क्या करता है, टेम्परली स्टोर करके रखता है ठीक है, किस किस चीज़ों को, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को स्टोर करके रखता है, पेप्सिन को रखता है ठीक है, इनको क्या है, जो अपना स्टमक है वो टेम्परली स्टोर करके रखता है, केमिकल डाइजेशन करता है, मैकेनिकल ब्रेकडाउन करता है, लिमिटेड एब्जॉर्प्शन करता है, नॉन स्पेसिफिक डिफेंस के अंदर क्या, जो माइक्रोब्स हैं उनसे क्या अपने को प्रिवेंट रखता है। ये क्या है अपने स्टमक के फंक्शन हैं।
नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द कंटिन्यूस विद द स्टमक एंड एट द पैरेलल स्फिंक्टर एंड लीड इन टू द लार्ज इंटेस्टाइन एट द इलियोसिकल वॉल। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कब कहाँ पे होती है, अपनी जो लार्ज इंटेस्टाइन है और अपना जो स्टमक है इन दोनों के बीच में क्या है, अपनी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो प्रेजेंट रहती है। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो उसका स्टमक से कैसे कनेक्ट होती है, जो अपना पैरेलल स्फिंक्टर जो होता है उससे, और जो लार्ज इंटेस्टाइन है उससे किससे कनेक्ट होती है, इलियोसिकल वॉल से क्या है, कनेक्ट रहता है। यानी कि जो अपना इंटेस्टाइन है स्मॉल इंटेस्टाइन, इसका जो अपर पार्ट है वो किससे कनेक्ट रहता है, पैरेलल स्फिंक्टर से कनेक्ट रहता है, और जो लोअर पार्ट है वो किससे कनेक्ट रहता है, इलियोसिकल वॉल से क्या है, कनेक्ट रहता है। इट इज ए लिटिल ओवर 5 मीटर लॉन्ग एंड लाइज इन द एब्डोमिनल कैविटी सराउंडेड बाय द लार्ज इंटेस्टाइन। ये क्या है, 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, ठीक है, कहां पे होती है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होती है, सराउंडेड बाय ए लार्ज इंटेस्टाइन। इन द स्मॉल इंटेस्टाइन द केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड इज कंप्लीट एंड मोस्ट ऑफ द अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स टेक प्लेस। क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो केमिकल डाइजेशन है वो क्या है, ऑलमोस्ट क्या है, कंप्लीट यहीं पे होता है, और अब्जॉर्प्शन भी उनका यहीं पे होता है, और न्यूट्रिशन जो है उनका भी अब्जॉर्प्शन यहीं पे होता है। तो जो अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो क्या है, किससे कंटिन्यूस रहती है, स्मॉल इंटेस्टाइन है वो अपना जो स्टमक का जो वो लोअर पार्ट है उससे क्या है, पैरेलल स्फिंक्टर से कनेक्ट रहती है, और जो अपनी लार्ज इंटेस्टाइन है उससे क्या है, जो इलियोसिकल वॉल जो है उससे क्या कनेक्ट रहती है। ये क्या है, 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती है। यहाँ पे क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अपना केमिकल डाइजेशन फूड का कंप्लीट हो जाता है और अब्जॉर्प्शन भी यहीं पे हो जाता है। ये क्या है, अपनी डायग्राम दिखाया गया है, इसके अंदर कौन से ऑर्गन है, कौन से किस पोजीशन के अंदर ये रहती है। द स्मॉल इंटेस्टाइन कंप्रेस 3 मेन सेक्शन कंटिन्यूस विद ईच अदर। जो अपनी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कितने भागों के अंदर डिवाइड रहती है, 3 भागों के अंदर क्या है, डिवाइड रहती है। सबसे पहले क्या है, ड्यूडिनम। ड्यूडिनम क्या है, अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड कवर्ड अराउंड द हेड ऑफ पैनक्रियाज। क्या है ड्यूडिनम है, वो क्या है, इज अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड कवर्ड अराउंड द हेड ऑफ द पैनक्रियाज। 3 भाग कौन से, ड्यूडिनम, जेजुनम और इलियम। जो अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको कितने भागों में डिवाइड कर रखा है, 3 भागों में कर रखा है, कौन से हैं, ड्यूडिनम, जेजुनम और इलियम। ये क्या है, इसके 3 पार्ट है। ड्यूडिनम है वो क्या है, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है एंड कवर्ड अराउंड द हेड ऑफ द पैनक्रियाज।
सिक्रेशन फ्रॉम द गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियाज आर रिलीज इनटू द ड्यूडिनम थ्रू ए कॉमन स्ट्रक्चर द हेपेटोपैनक्रियाटिक एम्पुला एंड द ओपनिंग इनटू द ड्यूडिनम इज ग्रेजुअली बाय द हेपेटोपैनक्रियाटिक स्पिंचर। यानी कि जो अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको कितने सेक्शन में डिवाइड कर रखा है, तीन सेक्शन के अंदर क्या है डिवाइड कर रखा है, और कंटिन्यूस रहते हैं आपस में एक दूसरे से। ड्यूडिनम है वो जेजुनम से कनेक्ट रहेगा, जेजुनम है वो इलियम से कनेक्ट रहेगा, इलियम जेजुनम से रहेगा, जेजुनम किससे रहेगा ड्यूडिनम से रहेगा, इलियम का जो लोअर एंड है वो लार्ज इंटेस्टाइन से रहेगा, और जो ड्यूडिनम है ये किससे रहेगा अपना स्टमक से रहेगा। यहाँ पे कौन सा होता है पैरालिक स्पिंचर होता है, यहाँ पे कौन सा होता है इलियोसिकल वॉल प्रेजेंट होता है। जो ड्यूडिनम है उस कितनी सेंटीमीटर लॉन्ग एक स्ट्रक्चर होती है, 25 सेंटीमीटर की क्या है एक स्ट्रक्चर होती है, कवर्ड अराउंड द हेड ऑफ द पैनक्रियास। कवर कहाँ पर रहती है, हेड ऑफ द पैनक्रियास। सिक्रेशन फ्रॉम द गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियास आर रिलीज इनटू द ड्यूडिनम थ्रू ए कॉमन स्ट्रक्चर द हेपेटोपैनक्रियाटिक एम्पुला। जो सिक्रेशन होते हैं उसको क्या बोलते हैं, कौन सी स्ट्रक्चर होती है कॉमन स्ट्रक्चर, जो हेपेटोपैनक्रियाटिक एम्पुला है, और इसकी ओपनिंग कहाँ पे होती है हेपेटोपैनक्रियाटिक स्पिंचर के द्वारा क्या है ड्यूडिनम में इसकी क्या है ओपनिंग होती है। ये क्या है स्ट्रक्चर है जेजुनम एंड इलियम एंड दे आर रिलेटेड स्ट्रक्चर। यानी कि जेजुनम इलियम और उसके साथ साथ कौन से जो ऑर्गन्स हैं उनकी कनेक्ट रहते हैं। तो जेजुनम है वो क्या है, इज द मिडिल सेक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अबाउट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग। क्या है जेजुनम, अपनी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका क्या है स्ट्रक्चर है, और ये कितनी सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, कितने मीटर लॉन्ग होती है, 2 मीटर लॉन्ग होती है। इलियम जो है, इलियम इज और टर्मिनल सेक्शन इज अबाउट 3 मीटर लॉन्ग। इलियम है वो क्या है टर्मिनल सेक्शन होता है, और ये इसकी लेंथ कितनी होती है 3 मीटर होती है। एंड एट इलियोसिकल वॉल विच कंट्रोल द फ्लो मटेरियल फ्रॉम द इलियम टू सिकम द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन एंड प्रिवेंट रिग्रेडेशन। जेजुना में वो क्या है 2 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, एलियम क्या है 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। इसका जो एंड पार्ट है वो क्या है एलियोसिकल वॉल से कनेक्ट रहता है, जो क्या करता है जो बैक फ्लो है जो मटेरियल का उसको क्या करता है कंट्रोल करता है। कहाँ से, अपने जो लार्ज इंटेस्टाइन से, अगर उससे कोई भी फूड कंटेंट नहीं आ जाए बैक फ्लो करके तो कौन करता है, यहाँ पे जो एलियोसिकल वॉल है वो क्या करता है हेल्प करता है, उसको प्रिवेंट करता है उस कंडीशन से। स्ट्रक्चर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन की स्ट्रक्चर। द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन आज कंपोज्ड ऑफ 4 लेयर ऑफ टिश्यू। जो अपनी जो एलिमेंट्री कैनाल थी उसके जो 4 लेयर थी वही क्या है सभी के अंदर जो है लेयर है, बट कुछ जो लेयर्स हैं उनके अंदर क्या है कुछ मॉडिफिकेशन किया गया है। तो आप बाकी की जो लेयर्स हैं वो वहां से नोट डाउन कर लें, और जिनके बारे में भी यहाँ पे मॉडिफाई किया गया है वो आपको दोबारा से बताई जा रही है। मॉडिफिकेशन ऑफ द पेरिटोनियम एंड म्यूकोसा। पेरिटोनियम और म्यूकोसा के अंदर क्या है जो चेंजेस हैं उनके बारे में क्या है यहाँ पे
डिस्कस किया गया है। पेरिटोनियम, ए डबल लेयर ऑफ पेरिटोनियम कॉल्ड द मेजेंट्री अटैच द जेजुनम एंड इलियम टू द पोस्टीरियर एब्डोमिनल। पेरिटोनियम क्या है? डबल लेयर है किसकी? पेरिटोनियम की, जिसको क्या बोलते हैं? मेजेंट्री बोलते हैं। अटैच द जेजुनम कहाँ पे कनेक्ट करती है? अटैच द जेजुनम एंड इलियम द पोस्टीरियर एब्डोमिनल। जो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल है इलियम का, जेजुनम का, वहाँ पे क्या है? ये मेजेंट्री है, वो अटैच रहती है, और ये क्या है? डबल लेयर की बनी होती है, इसको क्या बोलते हैं अपन? पेरिटोनियम बोलते हैं। द लार्ज ब्लड वेसल्स एंड नर्व लाइज ऑन द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। क्या है? बहुत सारे ब्लड वेसल्स और नर्व वो क्या है? सिचुएटेड रहती है कहाँ पे? लाइज ऑन द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल एंड द ब्रांचेस टू द स्मॉल इंटेस्टाइन पास बिटवीन द टू लेयर ऑफ मेजेंट्री। ये जो अपने पेरिटोनियम की जो डबल लेयर है उनके बीच से क्या है? पास होती हैं।